खबर जगदलपुर से, जहां पर तीतरी जंगल में कल सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने बिना किसी नुकसान के 7 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया है और मौके से नक्सलियों के शवों के साथ उनके हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल मुठभेड़ को लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। कॉन्फ्रेंस में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जगदलपुर से, जहां पर पुलिस को नक्सलियों के कुट को ढेर करने में सफलता मिली है। मुठभेड़ हो गई थी। आपको बता दें कि जगदलपुर के तीतरी जंगल में कल सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने बिना किसी नुकसान के 7 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया है और मौके से नक्सलियों के शवों के साथ उनके हथियार भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल कुछ देर बाद ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस इस मुठभेड़ को लेकर एक प्रेस वार्ता भी करेगी और इस प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण बातों का भी खुलासा हो सकता है। और ये खबर सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है और हमारे साथ जगदलपुर से आशुतोष तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरह बात की जाए, तीतरी जंगल में सुरक्षा बलों के और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और उसमें 7 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया गया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है इसको लेकर? देखिए, आज से जो है नक्सलियों का शहीदी सप्ताह शुरू हो गया है, उससे पहले ही जो पुलिस को है बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है और साथ ही दंतेवाड़ा में भी जिस तरीके से मुठभेड़ चल रही है तो उसमें भी सफलता मिलने का आसार है। जिस तरीके से बस्तर में 2016 में बस्तर जिले में नक्सलियों को खदेड़ दिया गया था, उसके बाद भी कुछ दिन जो एरिया था, तीरिया जंगल का जो एरिया था, वो एकदम शांत था। बस्तर जिला नक्सलियों से पूरा शांत था, लेकिन जिस तरीके से कल और सूचना भी मिल रही थी पहले की नक्सली लगातार गांव में आ रहे हैं, गांव वाले से बातचीत कर रहे हैं, अपना पैक जमा रहे हैं वहां पर। सूचना जैसे पुलिस को मिली तो पुलिस ने एक सीआरपीएफ और डीआईजी और एसटीएफ जवानों को, एक जवानों की एक टुकड़ी जंगलों में सर्चिंग के लिए भेजी। सर्चिंग जब करने जवान वहां पर पहुंचे हुए थे, नक्सली छुप के फायरिंग करने के फिराक में थे ताकि जवानों को नुकसान पहुंचा के उनकी हथियार लूटा जा सके, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिरता हुआ यहाँ पर नजर आया और जवान लगातार फायरिंग करके 7 नक्सलियों को ढेर कर दिए, जो सफलता यहाँ पर मिली है। बस्तर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया है कि जो जिस तरीके से हमें सूचना मिली थी और हमको यहाँ पर सफलता भी हासिल हुई है, साथ में नक्सलियों की बॉडी भी बरामद कर ली गई है, जिसमें 3 नक्सलियों की शिनाख्त कर ली गई है और साथ में ही जो 2 राइफल बरामद किया गया है और साथ ही बरमार बंदूक भी बरामद की गई, साथ में कई सामग्री भी बरामद की गई है और बाकी जो अज्ञात नक्सली है उनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, जो पोस्टमार्टम के बाद उसकी शिनाख्त पुलिस करेगी, इसके बाद पता चल पाएगा कि 4 जो नक्सली हैं वो किस कैडर के हैं और किस एरिया के हैं। जी आशुतोष, क्या लगता है कि हम उनके हथियारों की बात करें तो मैं सुना है कि काफी बड़ी संख्या में पिस्तौलें बरामद हुई है और साथ में राइफल भी बड़ी संख्या में बरामद हुई है, तो क्या इसका एक आंकड़े की हम बात करें तो कितनी संख्या में सब बरामदगी की है पुलिस ने? देखिए, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है और जो बस्तर आईजी है विवेकानंद सिन्हा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि जो 2 राइफल यहाँ पर बरामद हुई है और 303 राइफल बरामद की गई है और जिसमें 2 भरमार बंदूकें भी बरामद की गई और साथ में कई अन्य सामग्री यहाँ पर बरामद की गई है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी संख्या में नक्सली उस जंगल में सक्रिय थे और अपना पैक जमा रहे थे, जिस जवान ने खदेड़ा है और उस जंगल से नक्सली घना जंगल का आड़ लेते हुए वहां से भाग गए हैं। हालांकि जंगल में तो नक्सली नहीं है क्योंकि लगातार सर्चिंग की गई, वहां पर पार्टी भी भेजी गई और साथ में अधिकारी भी गए, पुलिस के अधिकारी भी गए वहां पर सर्चिंग के दौरान, तो वह कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नक्सली है वो जंगल छोड़ के भाग चुके हैं। जी जी क्या लगता है, जिस तरह हम बात करें तीरिया और माचकोट का जो रास्ता है वो सबसे सुरक्षित माना जाता है नक्सलियों के लिए, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना? बिल्कुल, अभी कुछ सालों का अगर बात किया जाए तो जो तीरिया और माचकोट का जो रास्ता है वहाँ वो पूरा सुरक्षित हो चुका था और दहशत जो है ग्रामीणों और जो शहरवासी भी वहां पर जाते हैं तो उनके मन से दहशत बिल्कुल निकल चुका था, लेकिन जिस तरीके से कल जो ये घटना हुई है, जो मुठभेड़ हुई है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश आ गया है और ग्रामीण में भी ये डर फैला है कि अब बस्तर में नक्सली अपना पैड बनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जवानों की मुस्तैदी यहाँ पर देखी गई है, जो कि ग्रामीण जो विश्वास करते हैं पुलिस फोर्स पर वो विश्वास पुलिस ने यहाँ पर दिखाई है और नक्सलवाद को काफी हद तक खदेड़ चुका है और लगातार अभी उस एरिया में
टेस्टिंग भी कर रहे हैं, जवान की पार्टी भी वहां पर भेजी गई है, ग्रामीणों को यहां पर आश्वासन भी दिया जा रहा है कि आप सुरक्षित हैं, यहां पर नक्सली पैठ नहीं हो पाई, क्योंकि ग्रामीण को कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं वो ढाल बनाते हैं और ढाल बना के ही इस तरीके का वारदात को अंजाम देते हैं। जी क्या लगता है आशुतोष, यदि हम कुछ देर की बात करें कि जो पुलिस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, हालांकि पुलिस क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है इस पर नजर रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष।